नमस्कार दोस्तों, पिछली हम लोग बात कर रहे थे मानचित्र के बारे में, मैप्स के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी विश्व के प्रमुख सागर व महासागरों के बारे में, ठीक है। उनकी अवस्थिति देखी थी, उनके बारे में जो प्रमुख तत्व थे उन्हें भी देखा था। इसमें आज बात करेंगे हम लोग विश्व की प्रमुख जल धाराओं के बारे में। विश्व की प्रमुख जल धाराएं गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं दोनों तरह की देखी हैं। याद रखिए, आपके जितने भी मैप्स से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मानचित्र के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डाल देता हूँ। विश्व की जल धाराएं, तो चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग मानचित्र में सभी महाद्वीपों महासागरों की स्थिति जान लेते हैं, नजर डाल लेते हैं, ठीक। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, सबसे पहले ये हमारा प्यारा एशिया, रूस, मंगोलिया, चीन, नेपाल, भारत। ये बंगाल की खाड़ी है, लक्षद्वीप सागर है, अरब सागर है। ये थाईलैंड की खाड़ी है, ये आपका हिंद सागर है, हिंद महासागर। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कोरल सागर, सोलोमन सागर, ये सभी देख लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। ये अंटार्कटिका है आपकी, फिर ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। चार सूडान, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, नीचे अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, ये ऊपर आपका यूक्रेन है, ठीक है। ये आपका उत्तरी अटलांटिक है और नीचे दक्षिणी अटलांटिक। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऊपर है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, ये आपका उत्तरी अमेरिका। ये आपका आर्कटिक सागर है, ठीक है। यहीं कारा सागर, बैरिंग सागर, बैरेंट सागर, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ये हमारी पृथ्वी, ठीक। कई बार हम लोग सभी देशों को देख चुके हैं, मुझे लगता है आप लोगों को याद भी हो गए होंगे अगर आपने शुरू से देखा होगा इन सभी लेक्चरों को, तो ठीक है। चलिए अब धाराओं की, जो जल धाराएं हैं इनकी स्थिति जान लेते हैं मैप में, और इनके प्रमुख तत्व। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्यूराइल धारा के बारे में। याद रखना, ये आपकी ठंडी जल धाराएं हैं, विश्व की प्रमुख ठंडी जल धाराएं हैं, ठीक है। कौन सी है ठंडी जल धाराएं? आगे हम लोग मैप में गर्म जल धाराएं देखेंगे। तो क्यूराइल, जो क्यूराइल धारा है जो आपकी, इसके बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? किसे आईओसीओ जल धारा भी कहा जाता है, या उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से, देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में क्यूराइल द्वीप समूह के पास बहती है, जापान के निकट यह निकट क्यूसीबो की गर्म जलधारा से मिलकर भारी कोहरा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप यह मत्स्य बैंक का निर्माण होता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, ठीक। ये आपकी ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क धारा है, ये भी आपकी उत्तर से दक्षिण में बहती है। फिर चलते हम नीचे, ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन सागर, ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। इसके बारे में याद रखिए कि यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, जो आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती है। देखिए इसकी दिशा आपको दिख ही रही होगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ। फिर यही देख लेते हैं बेंगुएला जलधारा। कौन सी? बेंगुएला जलधारा। इसके बारे में याद रखिए कि यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ तरफ बह रही है, ठीक है। अरे ये आपकी कनारी कनारी जलधारा। कौन सी? कनारी जलधारा। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे कैप वर्डे द्वीप समूह के पास से होकर बहने वाली ठंडी जलधारा है,
यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। ठीक, ये सभी आपकी ठंडी जलधारा है, आपको याद रखना है। फिर है आपकी इरिमिंगर, इरमिंगर कौन सी, इरमिंगर जलधारा, ये है आपकी इरमिंगर जलधारा के बारे में याद रखिए कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है जो आइसलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। इसके प्रभाव से आइसलैंड में बर्फ की परतें पाई जाती हैं। यही आपका पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह जलधारा डेनमार्क जलसंधि से निकलकर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। यह जलधारा अपने साथ बड़े बड़े हिमखंड लाती है। ठीक है, फिर यह आपकी लिब्राडोर जलधारा है, लिब्राडोर की जलधारा, याद रखिए लिब्राडोर की जलधारा के बारे में कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है जिसका निर्माण बेफिन की खाड़ी व डेविस जलडमरू के मध्य के पास होता है। यह जलधारा कनाडा के उत्तर पूर्व भागों में बहती हुई 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से मिलकर मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। ठीक, बात करते हैं ये आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर के पास कैलिफोर्निया की धारा, कौन सी, कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया के निकट उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा में बहने वाली यह जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक, फिर आपकी ये फॉकलैंड जलधारा है, कौन सी, फॉकलैंड जलधारा, हॉर्न ऑफ अंतरिक्ष की जलधारा फॉकलैंड द्वीप से टकराकर दो दिशाओं में बट जाती है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा में अर्जेंटीना के तट के सहारे बहती है। ठीक, ये है आपकी हम्बोल्ट या पेरू जलधारा, चिली तथा पेरू के पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली यह जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसी जलधारा के प्रभाव से चिली तथा पेरू में विस्तृत आटाकामा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये थी आपकी ठंडी जलधाराएं, देख लीजिए कैलिफोर्निया जलधारा आपकी ये है, हम्बोल्ट जल पेरू जलधारा ये आपकी है, ऑकलैंड आपकी ये है, बेंगुएला धारा ये आपकी ये है, कनारी धारा ये है, लिब्राडोर की धारा ये है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ये है, इरमिंगर धारा ये, ओकोटस की धारा ये है आपकी, क्यूराइल धारा ये है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये है। ठीक है, ये थी आपकी प्रमुख ठंडी जलधाराएं। अब बात करते हैं हम लोग आगे गर्म जलधाराओं की स्थिति, ये है आपकी गर्म जलधाराएं, तो ये है आपकी क्यूरेसियो धारा, कौन सी, क्यूरेसियो धारा। इसके बारे में आपको याद रखना है कि उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा फिलीपींस के तट से टकराकर दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यह जलधारा क्यूरेसियो जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक, यही आपकी सुसीमा जलधारा है, ये बह रही आपकी सुसीमा जलधारा के बारे में याद रखिए कि यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरेसियो जलधारा का वह भाग जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से अलग होकर जापान के पश्चिमी तट तक जापान सागर तक प्रवाहित होती है, उसे हम लोग सुसीमा जलधारा कहते हैं। ठीक, नीचे आए तो ये आपकी दक्षिणी विषुवतीय धारा है, कौन सी, दक्षिणी विषुवतीय धारा। ठीक है, यही आपकी है ग्रीष्म, ये है देख रही, ग्रीष्मकालीन मानसून जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून धारा। ठीक है, दक्षिणी विषुवतीय देखी ली है, ये आपकी मेडागास्कर धारा है, गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, ये आपकी मोजाम्बिक है, देखिए मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक जो आपकी जलधारा है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है जो
छिड़ी विषुवतीय रेखीय धारा से उत्पन्न होती है। यह अफ्रीका की पूर्वी तट पर तथा मेडागास्कर में प्रवाहित होती है। यही आपकी अगुलहास धारा है, अगुलहास धारा। ये भी आपकी यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है जो मेडागास्कर द्वीप के समूह के दक्षिण में बहती है। यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर, ये आपकी नॉर्वे की जलधारा है। कौन सी? नॉर्वे की जलधारा। नॉर्वे की जलधारा के बारे में याद रखिए कि यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब पूर्वी भाग में पहुंचता है तब दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा ब्रिटिश द्वीप समूह को होते हुए नॉर्वे के तट के सहारे बहता है, इसे नॉर्वे की धारा कहा जाता है। ये आपकी रेनेल धारा, रेनेल धारा। एक गिनी की धारा है। कौन सी? गिनी की धारा। ये सभी गर्म जल धारा है, याद रखिए। ये दक्षिणी विषुवतीय जल धारा है, देख ही लिया हमने। ये आपकी उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। कौन सी? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रखना है। फिर ये आपकी ब्राजील की धारा है, ब्राजील की धारा जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय प्रवाह की एक शाखा जो ब्राजील के पूर्वी तट के सहारे बहती है, ब्राजील की जलधारा कहलाती है। ठीक, यही आपकी ये ब्राजील प्रे एलिनो, ये आपकी एलिनो धारा। एलिनो धारा के बारे में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। ठीक, यही आपकी दक्षिण विषुवतीय धारा, ये आ रही है, वही है। ये उत्तरी विषुवतीय धारा होगी, ये है आपकी एंटी लीज धारा। ये आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा। हैटरस अंतरीप से ग्रैंड बैंक तक इस धारा को गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। इस जलधारा को मैक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में उष्ण जल प्राप्त होता है जिसे यह ठंडे भागों में पहुंचाती है। ठीक, ये आपकी फ्लोरिडा की धारा। कौन सी? फ्लोरिडा की धारा, याद रखिए। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा जब यूको टन जल संधि द्वारा मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है वहां इसे फ्लोरिडा की जलधारा कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी उत्तरी प्रशांत धारा है, उत्तरी प्रशांत धारा। ये आपकी अलास्का की धारा है। कौन सी? अलास्का की धारा। अलास्का की धारा में याद रखिए, यह उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक, यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। तो ये आपकी गर्म जलधारा है। एक बार और देख लेते हैं आप लोग, ये आपकी अलास्का की जलधारा है, यही आपकी उत्तरी प्रशांत धारा है। फिर नीचे आते हैं तो ये आपकी फ्लोरिडा की धारा है, ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, ये एंटी लोज की धारा है, एंटीलोज धारा है। ये सभी गर्म जलधारा है, याद रखना। उत्तरी विषुवतीय धारा है, ये दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा है, एलनीनो धारा है आपकी, ब्राजील की धारा है। ठीक है, ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, ग्रीनी की धारा है, मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर अगुलहास धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, क्यूरेसियो धारा और सुषमा जलधारा। ठीक, ये रेनेल जलधारा और नॉर्वे की जलधारा। तो चलिए इनके बारे में जो पॉइंट हैं महत्वपूर्ण उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं ठंडी जलधाराओं के बारे में। इसमें इस तरह पूछा जाता है कि ये कौन सी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है या गर्म। इनकी स्थिति अगर पूछे तो हम लोगों ने जान ही लिया है कि ये कहाँ है। लेप्राडोर जलधारा,
यह है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, जिसका निर्माण बेफेन की खाड़ी व डेविस जलडमरू मध्य के मध्य पास होता है। ठीक है, यह जलधारा कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में बहती हुई 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास गल्फ स्ट्रीम की जलधारा से मिलकर मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। यह जलधारा अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड लेकर आती है। फिर आपकी कनारी जलधारा, यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे केप वर्डे द्वीप समूह के पास से होकर बहने वाली ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। इस धारा की उपस्थिति से सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति में सहायता मिली है। फिर आपकी फॉकलैंड जलधारा, हॉर्न ऑफ अंतरिप की जलधारा फॉकलैंड द्वीप से टकराकर दो दिशाओं में बट जाती है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा में अर्जेंटीना के तट के सहारे बहती है। यह जलधारा ब्राजील के पूर्वी तट पर ब्राजील की गर्म जलधारा से मिल जाती है। इस जलधारा के प्रभाव से पेटागोनिया के मरुस्थल की उत्पत्ति में सहयोग मिला। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फिर आपकी वेगुएला जलधारा, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर बहती है। इस जलधारा के प्रभाव से नामीबिया के तट पर भारी कोहरा पड़ता है। नामीब मरुस्थल की उत्पत्ति इसी जलधारा के प्रभाव स्वरूप हुई है। फिर आपकी हम्बोल्ट या पेरू जलधारा, चिली तथा पेरू के पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली यह जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। इसी जलधारा के प्रभाव से चिली तथा पेरू में विस्तृत आटाकामा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। यह जलधारा लगभग 6 से 7 वर्षों में गर्म हो जाता है, जिसे अल नीनो कहा जाता है। फिर आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया के निकट उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली यह जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इस जलधारा के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कई मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई है। फिर आपकी क्यूराइल जलधारा, इसे आयोसियो जलधारा भी कहा जाता है। यह उत्तर से दक्षिण क्यूराइल द्वीप समूह के पास बहती है। जापान के निकट क्यूरोसियो की गर्म जलधारा से मिलकर भारी कोहरा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ मत्स्य बैंक का निर्माण होता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। फिर आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती है। इसी जलधारा के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई है। फिर आपकी ग्रीनलैंड की जलधारा, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह जलधारा डेनमार्क जलसंधि से निकलकर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। यह जलधारा अपने साथ बड़े बड़े हिमखंड लाती है। फिर आपकी इरमिंगर जलधारा, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, जो आइसलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। इसके प्रभाव से आइसलैंड में बर्फ की परतें पाई जाती हैं। ठीक, अब आपकी एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ है आपकी ठंडी जलधारा है। ए मैप से आपका एक क्यूराइल जलधारा है, ये ही आपकी ओकोटस्क जलधारा है, ये सभी ठंडी जलधारा है। ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, बेंगोला जलधारा है, ये आपकी कनारी जलधारा है, ये आपकी इरमिंगल जलधारा है, ये पूर्वी ग्रीनलैंड, ये आपकी लेब्राडोर जलधारा है, ये आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये आपकी हम्बोल्ट या पेरू जलधारा है और ये फॉकलैंड की जलधारा है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ठंडी जलधाराएं देख ही लिए, अब गर्म जलधाराएं वो देख लेते हैं। ठीक, क्यूरेसियो जलधारा उत्तरी पिस्पतीय रेखीय जलधारा फिलीपींस के तट से टकराकर दाहिनी ओर मुड़ कर उत्तर की दिशा में
प्रवाहित होने लगती है। यह जलधारा क्यूरेसियो जलधारा के नाम से जानी जाती है। यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। यह जलधारा पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। जापान के पास यह जलधारा क्यूराइल की ठंडी जलधारा से मिलती है, जिससे यह मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। रहे आपकी अलास्का जलधारा, यह उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, गर्म जलधारा। यह उत्तरी अमेरिका की अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। सुसीमा जलधारा, यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरेसियो जलधारा का वह भाग जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से अलग होकर जापान के पश्चिमी तट तक जापान सागर तक प्रवाहित होती है, सुषमा जलधारा कहलाती है। अपनी उच्च लवणता और उच्च तापमान के कारण सुषमा जलधारा तटीय भागों की जलवायु को प्रभावित करती है। ये आपकी अल नीलो जलधारा है। अल नीलो जलधारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। यह पेरू के तट तक प्रवाहित होती है, फलस्वरूप पेरू के तट पर सामान्य रूप से अधिक वर्षा होती है। इसके आगमन से समुद्री प्लैंकटन जल जाते हैं, फलस्वरूप भोजन न मिलने के कारण मछलियां मरने लगती हैं। यह जलधारा भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। कोरियालिस बल के प्रभाव से दक्षिण विषुवतीय जलधारा न्यूगिनी द्वीप के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होने लगती है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। फिर आपकी फ्लोरिडा जलधारा, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जब यूकोटन जलसंधि द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तो वहां से फ्लोरिडा की जलधारा कहा जाता है। तरह आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, हैटरस अंतरिम से ग्रैंड बैंक तक इस धारा को गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। इस जलधारा को मैक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में उष्ण जल प्राप्त होता है, जिसे हम यह ठंडे भागों में पहुंचाती है। इस जलधारा की खोज पॉन्स डी लियोन ने 1513 में की थी। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। यह न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास लिब्राडोर नामक ठंडी जलधारा से संगम कर कई मत्स्य बैंकों का निर्माण करती है। फिर आपकी नॉर्वे की जलधारा, यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब पूर्वी भाग में पहुंचता है तब दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा वेटिस द्वीप समूह होते हुए नॉर्वे के तट के सहारे बहती है, ऐसे नॉर्वे की धारा कहा जाता है। फिर आपकी ब्राजील जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय प्रवाह की एक शाखा जो ब्राजील के पूर्वी तट के किनारे बहती है, ब्राजील की जलधारा कहलाती है। यह जलधारा आगे चलकर फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से संगम बनाती है। यह जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। फिर आपकी उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा के उत्तर पूर्व सनमार्गी पवनों के कारण यह उष्ण जलधारा पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है। इसे उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा कहा जाता है। यह जलधारा कैरिबियन सागर में कैरिबियन द्वीप समूह से टकराकर दो भागों में मुड़ जाती है, एक शाखा मैक्सिको की खाड़ी में तथा दूसरी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। फिर आपकी मोजाम्बिक जलधारा, यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है जो दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा से उत्पन्न होती है। यह अफ्रीका के पूर्वी तट तथा मेडागास्कर में प्रवाहित होती है। फिर आपकी अहुलहास जलधारा, यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है जो मेडागास्कर द्वीप समूह के दक्षिण में बहती है। यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये थी आपकी गर्म जलधारा।
अब गर्म जलधाराओं की जो स्थिति है उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। ये है आपकी क्यूरेसियो जलधारा, ये सुसीमा जलधारा है, ये आपकी ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह है, ये दक्षिणी बृहस्पतीय धारा है, ये आपकी मेडागास्कर धारा है, मोजाम्बिक धारा है, ये अगुलस अगुलास धारा है, गिनी की धारा, ऊपर आपकी रेनेल धारा, नॉर्वे की जलधारा, ये आपकी दक्षिणी बृहस्पतीय जलधारा है, ये आपकी उत्तरी बृहस्पतीय जलधारा है, ब्राजील की जलधारा है आपकी, एल नीनो जलधारा है, ठीक, ये एंटिली जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा है आपकी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है आपकी, ये आपकी उत्तरी प्रशांत धारा, यही आपकी अलास्का जलधारा है, ठीक है। ये थी आपकी प्रमुख जलधाराएं, ठंडी हो फिर चाहे गर्म हो, दोनों देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में, ठीक है, विश्व की प्रमुख खाड़ियां देखेंगे।